जालौन के बंगरा से भिंड मार्ग पर महोई गांव से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां देर रात एक बारातियों से भरी हुई बस को किसी अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद बस पलट गई और उसमें से 5 लोगों की मौत हो गई है। दरअसल थाना रेढ़ के ग्राम मडौला से बारातियों को लेकर एक बस थाना रामपुरा के ग्राम दुतावली आई थी और बारातियों को लेकर वापस ग्राम मडौला जा रही थी। थाना माधवगढ़ क्षेत्र के ग्राम गोपालपुरा के पास महोई गांव से पहले किसी अज्ञात वाहन की बस से टक्कर हो गई, जिससे बस अनियंत्रित होकर पलट गई। घटनास्थल पर चीख पुकार मच गई। चीख पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से लोग दौड़े और मंजर देखकर तत्काल ही पुलिस और एम्बुलेंस सेवा को सूचना दी। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे पुलिस बल द्वारा रेस्क्यू कर 17 लोगों को निकालकर वहां से उपचार हेतु अस्पताल भिजवाया गया, जिसमें से 5 लोगों को डॉक्टर द्वारा मृत घोषित कर दिया गया है। मड़ेला से बारात गई थी उमरी, उमरी से शादी आदि निपटा मुटी के वापस आ रहे थे घर, रास्ता में चले आ रहे थे गोपालपुरा महोई के मतलब महोई पे मतलब समझ लो डंपर से एक्सीडेंट हुआ। डंपर से? हाँ। डंपर का बालू को अब रात में नहीं देखो, बालू को हाथों के गट्टी को हाथों खाए को ठीक। मैं भी 30-35 घायल तो हैं, करीब 10-12-15 आदमी। 2:30 से 3 बजे के बीच में एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें एक बारात जो कि थाना रेंडर क्षेत्र के से गई थी ग्राम मड़ेला से, थाना रामपुरा क्षेत्र में ये बारात गई थी, लेकिन दुतावली गाँव में, और वहाँ से लौटते समय लगभग 2:30 बजे के आसपास इस बस का किसी अज्ञात वाहन से एक्सीडेंट हुआ, जिसमें उस समय इस बस में लगभग 40 लोग बताए जा रहे हैं। तो बारातियों से भरी हुई बस थी और इसमें लगभग 15 के आसपास लोग गंभीर रूप से घायल हुए और जिनको CSC पर लाया गया, उनमें से 5 लोगों को मृत घोषित किया गया है CSC भारी के द्वारा। अन्य जो घायल हैं उनमें कुछ गंभीर रूप से घायल हैं, उनको अभी रेफर किया जा रहा है मेडिकल कॉलेज में, और बाकी अन्य घायल ज़्यादा गंभीर रूप से नहीं है, उन सभी का प्राथमिक उपचार यहाँ पर किया जा रहा है। अन्य कई लोग प्राथमिक उपचार के बाद यहाँ से जा चुके हैं और जो घायल हैं गंभीर रूप से उनको मेडिकल कॉलेज भेजा जा रहा है। इसमें आवश्यक कार्रवाई अभी की जा रही है और सभी पुलिस बल वगैरह मौके पर हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी होना चाहिए।